से जीते ना मैं समझाऊं, उतना चल जाए इसे जितना भी समझाऊं, उतना ही चल जाए। दाता तेरे चरणों की, मालिक तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गरदूल जो मिल जाए। परम सच्चा परम आराध्य परम पूजनिया तपाचार्य गुरु मैया के चरणारविंदों में वंदन करने के उपरांत धर्म प्रांगण में उपस्थित मेरे निज आत्मन, अभी आपने धन्यवाद के बारे में सुना। धन्यवाद कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, किसका अधिकार है धन्यवाद के ऊपर और कौन उस अधिकार से वंचित रहता है। कौन है अधिकारी, कौन अधिकारी है उसे धन्यवाद का, नहीं पता। अभी आपने सुना है कि जो विनीत होगा, जो विनयवान होगा, जो दिल से नर्म होगा, जो अहंकार से रहित होगा, वो उस धन्यवाद की साधना में आ सकता। जो अहंकारी होगा, उदंड होगा, स्वच्छंद होगा, वो धन्यवाद की साधना में नहीं आ सकता। जीवन उसी का आगे बढ़ेगा जो नम्रता से चलता जाएगा। आपने देखा लोहा भी है, तांबा भी है, रंगा भी है, सब तरह की धातुएं हैं, किंतु हीरा किसमें जड़ा जाता है, किसमें, सोने में जड़ा जाता है। क्यों, लोहे में क्यों नहीं या तांबे में क्यों नहीं? क्योंकि सोने में लचकीलापन है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। सोने के अंदर ही जड़ा जाएगा, लोहे में नहीं जड़ा जाएगा। इसी तरह ही धर्म का वास जो धन्यवाद के रूप में है, वो भी अहंकार रहित हृदय में ही उसका वास हो सकता। वो कहते हैं कि जब हम चलते हैं एक पैर आगे और एक पैर पीछे, कि दोनों पैर इकट्ठे करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं ना, और जब वो आगे पैर चला गया, वो अहंकार में आ जाए, मैं आगे तो पीछे, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो आगे और तू पीछे हो जाएगा। पैर से कांटा निकल गया, पैर से कांटा निकल गया तो चलने का मजा आ गया, और दिल से अगर अहंकार का कांटा निकल गया तो जीने का मजा, मजा लेना है ना जीने का। तो ये धन्यवाद जो अहंकारी होगा वो नहीं दे पाएगा, जो अहंकार से रहित होगा वही दे सकता है। अहंकारी व्यक्ति झुक नहीं सकता, वो अकड़ सकता है, और अकड़ना किसकी पहचान है, झुकना इंसान की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। जो अकड़ के रहता है वो समझो मुर्दा बन गया, क्योंकि दूसरे के लिए उसने कुछ किया नहीं, अपनी अकड़ में रहा तो उसके लिए तो वो मुर्दा ही है ना।
कहावत बनाने वाले ने बिल्कुल सही बनाई। डोल कुएं में अपने गले में रस्सी बंधवा करके नीचे उतरा कुएं में, जाकर के पानी के ऊपर घूमने लग गया और उसने कहा, देख भाई कुएं में कितनी दूर से अपने गले को बंधवा करके नीचे तेरे पास आया, मुझे पानी से भर दे। कुएं ने कहा, मैं मानता हूं भाई तू इतनी दूर से आया है, अपनी गर्दन भी बंधवाई है, अंधेरे में आया है और खड़खड़ाहट करता हुआ मेरे पास शोर मचाता हुआ आया, क्योंकि जब खाली होता है तो शोर मचाता है, परंतु ऐसे पानी की सतह पे तुझे घूम करके नहीं, अरे गर्दन तो झुका ले, डुबकी तो लगा ले, तो पानी से बच जाएगा। उसने वाकई वैसे ही गर्दन झुकाई, डुबकी लगाई और पानी से भर गया। वापस आया तो जो शोर मचाता आया था, अब शोर क्योंकि एम्प्टी वेसल्स में एक मच नॉइस, खाली कनस्तर ज्यादा शोर मचाते हैं, भरे हुए नहीं मचाते। आया, गर्दन भी खुल गई, प्यास भी बुझ गई, औरों की भी प्यास भी बुझ गई, तो ये क्या है, झुकने वाले को मिल जाता है। और झुकना किसके आगे, अपने प्रभु के आगे, अपने माँ बाप के आगे, अपने ऊपर उपकार करने वाले के आगे। किसी ने तुम्हारा भला किया और अब तुम ऐसे ही निकल जाओ तो आगे से रिस्पांस कैसा होगा, क्योंकि जिसने कुछ किया है वो तो बहुत ऊंची स्थिति में होगा, जो सोचे मैंने क्या किया, जो किया सो किया, परंतु आज के युग में क्या चाहता है कोई, उसके बदले में रिस्पांस चाहता है, मैंने इसका कुछ किया है, कम से कम दो शब्द मीठे तो बोल देते, भाई तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, धन्यवाद, धन्यवाद तो देना ही होगा। तो इसलिए जब झुक करके चलेंगे तभी धन्यवाद निकलेगा, तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ मिलेगा। तो इस साधना को अपना लेना, ये चार महीने में, क्योंकि आगे तो दो दिन कहीं, एक दिन कहीं, चार दिन कहीं रुके तो ऐसे ही जनरल विषय लेंगे। चार महीने में ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जाए जो क्या है, लड़ीबद्ध क्रमबद्ध चलता रहे। अगर तो आपको कहानी सुनने का रस है तो वो पीछे से फिर कहानी कोई चालू करे, लंबी कहानी जिसे सीरियल कहते हैं, धारावाहिक। वैसे कहानी आपने बहुत बार सुनते भी हो, सुनाते भी हो, देखते भी हो, आजकल तो लोगों के क्या हो गए जी, टीवी चल पड़े थे तो सिनेमा घर बंद हो गए थे, अब टीवी बंद हो गए तो क्या चल पड़े, मोबाइल में ही क्या है, पूरी पूरी फिल्म देख लेते हो, देख लेते हो ना, ये आपको ज्यादा पता होगा। वो कोई कहता डाउनलोड कर ली थी, देखते रहे, और ये नहीं पता कि मोबाइल में नुकसान कितना है, कितनी रेडिएशन है उसमें। तो अगर कहानी कहोगे तो कहानी लगा देंगे। कुछ बहनों की रुचि थी, वैसे आपको भी रुचि हो तो भक्तामर स्तोत्र, जो आज क्या है गवर्नमेंट की तरफ से भक्ति स्तोत्रों में सर्वप्रथम उसका नाम आया, उसका नाम पहले नंबर पे आया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या है डिक्लेयर हुआ, और ये भक्ति में स्तोत्र है। इसके हम ये नहीं कि खाली वो उच्चारण करना, एक एक गाथा के एक एक शब्द का अर्थ, उसका आगे व्याख्या, उसकी आगे टीका, कैसे ये बना, पहले दो तीन दिन तो उसकी भूमिका में लग जाएंगे, वो होगा और उसकी आज के जीवन में क्या उपयोगिता है, और कौन सी गाथा का जाप करने से, कौन से शब्द का उच्चारण करने से हमारे को किस रोग की शांति है, धन की प्राप्ति है, पुत्र की प्राप्ति है, क्लेश की शांति है, बाहर के उपसर्गों की शांति होती है, बाहर के उपसर्ग खत्म होते हैं, मुकदमे में जीत प्राप्त होती है, उसका भी साथ साथ में उपयोग मिलता रहेगा, क्योंकि दुनिया आज क्या है दुखों से भरी हुई है, और बाहर क्या है जाकर के आप पीर बाबाओं के
भूखों के पास जाकर के इलाज करवाओ, उससे अच्छा अपने घर में ही जो प्रभु महावीर ने इतनी बड़ी बड़ी देन हमें दी हुई है उसके आधार पे जीवन चलाओगे तो जीवन सात्विक बन करके चलेगा। किसी का नुकसान नहीं करना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाने, अपनी साधना के द्वारा अपने दुखों को दूर करना। अगर आपकी इच्छा हो तो वो शुरू किया जाए, क्योंकि सबका मन है। और अपनी किताब साथ कल लेके आना, भक्तामर की किताब साथ लेकर के आना, एक एक शब्द का आपको उसमें यथा योग्य जैसी मेरे को गुरु जी की कृपा मिलेगी, वो करने वाले हैं, मैं बोलने वाली हूँ, शब्द उनके हैं, जबान मेरी है, जैसी उनकी कृपा होगी वो आपके सामने रखूंगी। अभी हमने चेन्नई में किया था तो वो कहते थे मां जी इसको बंद मत करना। बहनों को वहां का महिला मंडल बहुत सक्रिय महिला मंडल था, वहां पे अच्छे अच्छे उन्होंने अपने रचनाएं की हुई थी, तो वो तो बहुत खुश होती थी कि ये तो क्या है, हमारे को मिलना ही चाहिए। तो आपकी इच्छा हो क्यों भाई, तैयार हो तो अपनी किताब कल को मंगल साधना आपको सबको उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि यहाँ के ही अपने सिंधी जी का वो प्रकाशन भी है, तो वो मंगल साधना ले आना, उसमें सब कुछ है। तो एक एक शब्द का पहले तो ये क्यों बना, कैसे बना, कैसी भक्ति का आगाज है इसमें, अरे इसके अंदर इस भक्ति क्या है, बाहर की भक्ति नहीं, इसके साथ अगर आप दिल भी जोड़ लेंगे, दिमाग नहीं जोड़ना, दिल जोड़ेंगे, प्रेम जोड़ेंगे, जिंदगी जोड़ेंगे, तो आपको चमत्कारों की कमी नहीं है। 10 बज गए, मुझे सूचना भी देनी है, नहीं तो मैं बताती कि मंत्र में क्या प्रभाव होता है, कितनी सी छोटी सी बात में समझा देती हूँ। एक शिष्य की मंत्र में कितनी शक्ति है, शिष्य ने गुरुजी से कहा गुरुजी पैदल चलते चलते थक गया मैं, अब नहीं चलने को मन करता, अब तो मेरे को कोई ऐसा मंत्र दे दो मैं आकाश में उड़ू। अच्छा, आकाश में उड़ना चाहता है, उड़ तो सकता है, तो गुरु जी जल्दी कृपा करो कोई मंत्र दे दो, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। कैसी साधना, मुश्किल तो है तो आकाश में तो उड़ जाएगा, ठीक है गुरु जी मैं सब कर लूंगा, क्या साधना, अग्नि कुंड, बहुत बड़ा अग्नि कुंड हो, उसके ऊपर एक कड़ाहा रखना, कड़ाहा समझते, कड़ाही, बड़ा कड़ाहा रखना, उसके अंदर तेल डालना, आग जले और वो तेल गरम हो, इतना तेल खौलता हुआ गरम हो जाए, और उसके ऊपर एक बड़ा टोकरा जिसमें 108 रस्सियां बंधी हुई हो, कितनी रस्सियां, 108 रस्सियां, और ऊपर से इकट्ठे करके उसे ऊपर किसी चीज से उन रस्सियों को बांध लेना, तो उस टोकरे को उस क्या है कड़ाहे के बीचों बीच में टांगना और उसमें बैठ जाना, एक एक मंत्र पढ़ते जाना और एक एक रस्सी को काटते जाना, और जब कहते थे 108 बार वो मंत्र पूरा हो जाए तो सारी रस्सियां कट जाएंगी और तेरा टोकरा तो क्या है आग में गिर जाएगा, तेल में गिर जाएगा और तू आकाश में उड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि सच में ऐसा हो जाएगा, अरे तेरे को शंका है तो नहीं होगा, नो डाउट, शंका नहीं रखनी, नहीं गुरु जी ऐसे कहा था मेरा आकाश में उड़ने को तो मन पूरा है पर साधना थोड़ी सी, देख साधना तो करनी पड़ेगी, आकाश में उड़ना है तो फिर तेरे को साधना तो करनी पड़ेगी, ठीक है गुरु जी मैं करूंगा। सामान सारा इकट्ठा कर लिया, जंगल में पहुंच गया, एक वृक्ष के साथ उस टोकरे को बांध लिया, ऐसे 108 रस्सियां, आग भी जल रही है और ऊपर कड़ाहा भी चल रहा है और वो क्या है सारा कुछ है, परंतु हाथ में क्या है मंत्र का कागज भी वो लिया हुआ है, सोचता बैठू के ना बैठू, अगर बैठ गया मेरे से ये टोकरा रस्सियां काटने से ना मिलूंगा, मैं अभी बीच में तेल में गिर गया तो मर गया, उड़ना तो क्या मतलब जैसे ही रह जाऊंगा मर जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मंत्र पढ़ने में कोई गलती हो गई तो भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, शंका में पड़ा हुआ था बैठू ना बैठू बैठू ना बैठू। इतने में एक नामी चोर राजा के यहाँ चोरी करके आ गया उधर, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ था, वो चोर पकड़ाई में नहीं आ रहा था,
उसने आकर के देखा, अरे आग जल रही है, तेल खोल रहा है और ये क्या है, टोकरी बंधी हुई है और ये व्यक्ति पास में खड़ा है, माजरा क्या है, क्या माजरा है? कहते क्या बात है भाई? कहते मेरा आकाश में उड़ने को मन करता था, गुरु जी ने मंत्र दिया है, अब थोड़ा सा मन में शंका आ गई कि क्या है, बैठू ना बैठू, मर ना जाऊं। अरे मंत्र बिल्कुल सही है? कहता हाँ जी मंत्र तो मेरे गुरु का सही है। तो लीजिए मेरा सारा माल तू रख। कहता माल सही है? कहता माल भी सही है, तेरा मंत्र सही है तो मेरा माल भी सही है, ये माल सारा तू पकड़, मैं करता हूँ। साधना बैठ गया और फटाफट, क्योंकि पीछे पुलिस लगी हुई थी, उसने सोचा फटाफट उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक एक मंत्र पढ़ता जाता, रस्सी काटता जाता, और जब तक पुलिस आई तब तक उसने 108वीं रस्सी काटी और वो तो आकाश में उड़ गया। और माल किसके पास है? और शिष्य जो साधु बना हुआ है वो कहता नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा मेरा माल नहीं है, कोई मानेगा? पुलिस कहती जिसका जिसके पास माल है वो ही चोर है। तो अब वो कितना भी कहे वो हो नहीं सकता, तो श्रद्धा रखो। तो जो चोर था वो सिद्धि कर गया और जो साधु था वो क्या बन गया? चोर बन गया। ऐसा ना करना, विश्वास करना। वक्तामल के अंदर इतने चमत्कार है, परंतु उसके साथ क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। जैसे चोर को विश्वास हो गया, ऐसा विश्वास लेकर के चलोगे तो ये वक्तामल हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक बहुमूल्य ऐसा अचूक क्या है, मंत्र बन जाएगा कि हम जो चाहे उससे पा सकते हैं। तो जो आएंगे अपने साथियों को और भी कहना, बहनों कल को कितनी सुंदर साधना, रसोई घर से संतारा तुम्हारे को आएगा। अच्छा, कल धन्यवाद का प्रयोग कराने के बाद, परंतु प्रेरणा देना कि रसोई में खाना बनाते बनाते, खाते खाते, खिलाते खिलाते आपको अंतिम समय में संतारा अवश्य आएगा। ये पक्की बात है, अगर उसके अनुसार जीवन बनाओगे। वो भी सुनना और इधर वक्तामर की कल भूमिका भी सुनना। स्वामी की जो लब्धि थी वो कल्प तरु वृक्ष से पेड़ से कम नहीं थी। कल्प वर्ष वो चिंतामणि रत्न जैसा, वैसे ही उस कलश की स्थापना होने जा रही है। और ये कलश ये जो जाप चलेगा हमारा समस्त्री तक, समस्त्री तक ये जाप चलेगा। यहाँ पर जो ये कलश आप देख रहे हैं, ये कलश जो भी लेना चाहेंगे इस कलश को, जिस समय गौतम प्रतिपदा यानी दिवाली के दिन भी इस कलश को रखकर आप पूजा करेंगे, तो इस कलश में आप जो भी कुछ अपनी मनोकामना की पर्ची स्लिप उसमें डालेंगे होगी, और हर दिवाली पर उस कलश की आप पूजा करेंगे, यानी अपने घर में एक कल्प वृक्ष आप लेकर जाएंगे। वंचित मत रहना, रात्रि में वो जाप करने जरूर आना। मैंने तो हाँ बहन भाई सभी, यानी चार दिशाओं में जाप होगा, चारों दिशाओं में कवच बन जाएगा, और उस कवच को आप अपने घर लेकर जाएंगे, यानी घर से जितने भी मेंबर आएंगे आपके घर में चारों तरफ एक ऐसा कवच बन जाएगा कि कोई भी आदि व्याधि उपसर्ग आपके घर में नहीं आएगा। तो इस जाप में आपको अवश्य अवश्य आना है। हर दिशा में 25 लोग जरूर बैठे, तो ऐसा पुरुषार्थ जरूर करना। ये चौमासा आपको मिला है, ये बार बार अवसर नहीं आएंगे। जो आराधना हम करा रहे हैं बार बार ये नहीं होगी, मैं बार बार आपको कहती हूँ, जिन शासन का कि अनंत कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आप वंचित मत रहना। इस मंगल कलश को, अखिल मानस कलश को अपने आंगन में, अपने घर के आंगन में अवश्य इस कल्प तरु को लेकर जाना। और पहले आपको जाप में आना है, समस्त्री पर आपको सबको ये कलश जो भी लेना चाहेगा, जो परिवार जाप कराएंगे, पहला नाम तो हमारे जोरी जी का, जयंत प्रकाश जी जोरी का आ गया है, और दूसरे हाँ दूसरा जाप आप कोई भी जो भी लेना चाहेंगे अपने नाम आप दे देना दूसरे दिन का। ऐसे हर दिन का जाप हर एक घर से, फिर उस घर में वो कलश पहुंचेगा। तो इस तरफ तरीके दुनियादारी में इतना कुछ करते हो, एक बार मॉल पहुंचते हो ना, फिक्स रेट आपके खड़े होने की, जो खड़े होते हो ना वहां पर, उस खड़े होने के पैसे भी वसूल करते हैं वो लोग। और ये धर्म का काम है। तो
हाँ, और जितनी जल्दी जो पहले पहले कलश आता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा जाप होगा उतना ज्यादा वो प्रभावित, गौतम स्वामी की पूरी लब्धि उस कलश में समाहित हो जाएगी। तो अपना मन बनाकर ये कलश के लिए अपने नाम दे देना, यानी आपके घर के, आपके घर की तरफ से वो जप विधि शुरू हो जाएगी। 9 से 10 अखेर महानस लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, जाप होगा जो अनंत लब्धि को देने वाले गौतम स्वामी ने नमः। और हर वर्ष आप इस कलश का उपयोग देख पाएंगे कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या जो आपके पास नहीं था वो सब आपके पास, केवल ऊर्जा से, वाइब्रेशन से, जप शक्ति से। वो जब कहीं बात नहीं बनती दुनिया में, तो सिर्फ एक ही शरण है, वो परमात्मा की, धर्म की शरण है। और आज हम मैं थोड़ी सी आज की सूचना है, फिर इससे ज्यादा और रोज सूचना नहीं देंगे। रेकी ऊर्जा, ये आज कुछ बहने हमारी आई थी, तो 8 दिन के लिए हमने ये 7 दिन के लिए समय रखा है प्रचार प्रसार करने के लिए। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जहां जहां ये अनुष्ठान आराधना हमने कराई, आराधना है एक ऊर्जा पावर आपको मिलेगी लोकस्य की। देखी 15 साल से लेकर ऊपर तक सब लोग आ सकते हैं, 15 साल से नीचे बच्चे नहीं आ सकते उसमें, 15 साल से ऊपर वाले सभी लोग उसमें आ सकते हैं। और उसके लिए ड्रेस कोड रखा है हमने, क्योंकि कलर का भी अपना प्रभाव होता है। भाई जो आएंगे वो सफेद वस्त्रों में आएंगे, जो बहने आएंगी वो लाल साड़ी में आएंगी। जो लाल रंग है वो क्रांति का रंग है, एक्टिविटी का रंग है, वो अंदर से एकदम आपको सफूर्ति देने वाला रंग है। क्योंकि जहां पर लाल रंग होता है वहां पर बल्ले बल्ले होती है, पंजाबी में बोल रही हूँ, जहां लाल रंग होता है वहां बल्ले बल्ले होती है। तो ऐसी, क्योंकि हनुमान जी का जो सिंदूर लगाया जाता है उनके ऊपर कैसा लाल रंग, और उनकी पताका कैसी लाल रंग, और जो मजदूर जहां पर दूध टोली में काम करते हैं उनके लिए भी लाल रंग रखा जाता है। यानी अंदर से एकदम तुम्हारे पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला ये लाल रंग है। तो जितने लोग आए हैं जो उसमें रेकी ऊर्जा में शामिल अपना होना चाहते हैं, तो वो अपने नाम मुझे देकर जाना, एक पूरा पेपर बना लेना, उसका हम एक ग्रुप बनाएंगे लोकस्य रेकी ग्रुप। तो उसमें जो भी कुछ वहां पर यहाँ आराधना साधना होगी आप सब लोगों के पास, वो मैसेज पहुंचेंगे, तो उसका कोई एडमिन भी आप लोग तैयार हो जाना उस ग्रुप को हैंडल करने के लिए। तो कुछ बहने अपने नाम, और भाई भी, यानी भाई भी उसमें अपने नाम आप एक स्लिप पर मुझे दे देना। ये मैंने इसको बेंगलोर में शुरू किया था, 400-500 लोग हर रोज सुबह, कितना दूर दूर से, पूरे बेंगलोर से। हाँ, संस्कार मंच के कोई भाई आए हैं हमारे यहाँ पर, आप आए हैं, अपने और साथियों को लेकर आप एक बार मेरे पास पहुंचना। अगर संस्कार मंच के तत्वाधान में युवकों के उसमें ये कार्यक्रम होगा, क्योंकि वहां सारा युवक मंडल ने संभाला था, बेंगलोर में ये कार्यक्रम हुआ, सारा युवक मंडल में युवा, हाँ उधर अम्बतूर में भी, चेन्नई में भी। तो इस रेकी ऊर्जा से जो आप नॉर्मल बच्चे थे वो तब ठीक हो गए, बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा। इस शिविर को आप वंचित मत रहना, इससे इसको मिस मत करना, और अपनी सखी सहेलियों को सबको आमंत्रित, जैसे शादी में आमंत्रित करते हो उसी तरह से, ठीक है। आपके संस्कार मंच में कितने युवक हैं? 50। और आपके कितने हैं? आते कितने हैं? तो सबको लेके आना, चाहे आज मैसेज कर देना, मैसेज नहीं, मैं कहती 4 जने इकट्ठे होके सबके घरों में जाओ, उनको लेकर के आओ। विनोद भाई का मजा, गीत की 2 लाइनें पहले मैं गा देती हूँ। सुख आते हैं, सुख जाते हैं, सुख आते हैं, सुख जाते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, रहते हैं। सम्मान मिला
मानव मान के खेल में हम मस्त रहते हैं, सब मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गाते गाते कबीरा कह जाओ, दिल्ली से कुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में अत्यंत भक्ति रखने वाले हमारे आशीष भाई आशीष जी जैन अपने परिवार के साथ कोई भी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को वो कभी मिस नहीं करते और गुरु चरणों की कृपा से उनको बहुत कुछ मिला है, जो भी कुछ चाहा है। तो हर चाहे हम चेन्नई थे चाहे कहीं भी थे, वो हर गुरु पूर्णिमा को। और इसी संदर्भ में यहाँ पर खन्ना से मेरी मैडम मेरी माँ कुसुम जी अपनी बेटी अपनी सहेली के साथ वो भी आए हैं। वो छोटी थी, मैं साध्वी बनी थी तब उन्होंने पढ़ाया था। मैंने कल उन्होंने कहा बेटा इतना सुंदर बोला तुमने, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गई। मैंने कहा ये शब्द भी आपके ही दिए हुए हैं, ये शब्द भी आपके ही दिए हुए हैं, आपने दिया, गुरनी मैया ने दिया इन शब्दों को। खड़े हैं मेरी मैडम, उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। और आज भी जब वो कहते हैं मेरे अभी हो, इतनी दूर से वो आए हैं, इतना पुरुषार्थ किया, इस सभा में आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम दीदी। के चरणों में शशक वंदन, गरिमा में धर्म सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वैसे महासती जी के पास विनोद जी खटोल के भजन गाने की चिट्ठी है, लेकिन चूंकि समय आज गवारा नहीं दे रहा है, कल रविवार का दिन है और कल धर्म सभा के बाद, क्योंकि कल हमारे माह के अंतिम रविवार को सामूहिक सामयिक का आयोजन हम करते हैं और उसके बाद स्वल्पाहार की हमारी व्यवस्था रहती है। कल 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सामूहिक सामयिक का हम एक अनुष्ठान जो हर माह करते आ रहे हैं वो अनुष्ठान होगा और व्याख्यान के बाद आप सबके स्वल्पाहार की व्यवस्था यहाँ की गई है। कृपया जो जो सामयिक के लाभार्थी है उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सब परिवार उस सामयिक अनुष्ठान में शरीक हो, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। सामयिक के जो लाभार्थी है उनकी लिस्ट हमारे पास है, हमारी कोशिश होगी कि आज उन सबको हम खबर करें कि कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जैसा कि आप सबको विदित है महासती जी 26 वर्षों से निरंतर आयमिल तप की आराधना कर रही है और आपकी आयमिल तप की आराधना के अनुमोदनार्थ हम सामूहिक नमोकार मंत्र के 13 घंटे के जाप का अनुष्ठान प्रारंभ कर चुके हैं। कल जाप के अनुष्ठान में जितने उत्साह से आप सबने भाग लिया, जिसने समय निकाला, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञता के भाव को रखता हूँ। हमारी कोशिश थी कि दो दो लोग प्रति घंटे जाप करेंगे, लेकिन दिन भर जो उत्साह जो उमंग आप सबने दिखाई है आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जाप का अनुष्ठान सब हमारे संघ के कार्यकर्ताओं के घर पर ही होंगे और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला वर्धन करें। सौभाग्यशाली है अलका जी नाहटा, जिनने प्रथम जाप का अनुष्ठान अपने निवास स्थल पर कराया है। उनका मकान 1752 सुदामा नगर, जहां महासती राम कुंवर जी महाराज साहब विराजमान रहते थे, उनके सामने गली में उनका मकान है 1752। कृपया वहां पहुंचने का लक्ष्य रखें। टीवी सीरियल देखते देखते बहुत समय हो गया, लेकिन आत्मा को उभारने वाले इस सीरियल को देखने की नितांत आवश्यकता है। तमाम श्रावक श्राविकाओं से मेरा विनम्र निवेदन कि उनके निवास स्थान पर अनिवार्य रूप से पहुंचे। कल के वहां से जिनके घर कल का जाप होगा, आज रात्रि को 8:30 बजे बाद जाप की चौकी कलश आपको अपने घर पर ले जाना है। वहाँ पानी नहीं आया तो महासती जी सबके घर आने का भाव रखती है और पानी आने की परिस्थिति में जब भी अनुकूल होगा आपके घर महाराज साहब के आने का भाव रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि महाराज साहब के चरण कमल हर जाप लाभार्थी परिवार के यहाँ पहुंचे।
जैसा कि महासचिव मुक्ताश्री जी महाराज साहब ने कहा है कि गौतम लब्धि जाप का अनुष्ठान कल रात्रि को 9 से 10 बजे तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कलश बन के आ चुके हैं, जो जो नाम लिखा रहे हैं उन सब के कलश हम बना के ला रहे हैं। स्वयं आपके परिवार का जिस दिन जाप अनुष्ठान होगा उस दिन आपको ये कलश अपने हाथ से स्थापित करना है। एक एक कलश, बड़ा कलश हम कल रखेंगे, उसके साथ कल जो जाप का लाभार्थी वो एक कलश रखेगा, इसे क्रमशः 39 कलश हम रखेंगे। ये कलश बन के आ चुका है और इसका नखरा 1625 रुपए का ये कलश संघ को प्राप्त हुआ है। 1500 रुपए इसका नखरा है, 1500 रुपए जो जमा कराएंगे कलश हम उनके सबको लाएंगे। इसमें महासती जी ने जो गौतम लब्धि का मंत्र सिद्ध किया है वो उसमें प्रवेश कर चुका है। बस आपको अपने उत्कृष्ट भावों से इस कलश की स्थापना को करना है। जिन महानुभावों को इस कलश के अनुष्ठान में नाम लिखाना हो कृपया अपने अपने नाम और राशि जमा कराएं, जिससे कि हम आप सबकी व्यवस्था कर सके। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महासती जी तो 3000 किलोमीटर से यहाँ चल के आई है और यदि हम 1 किलोमीटर भी चलकर इस धर्म सभा को और गरिमापूर्ण नहीं बना पाए तो मैं समझता हूँ हमारे जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदल पाएगा। आप सबकी कोशिश होना चाहिए कि दिन भर में कम से कम एक फोन हम धर्म सभा में आने के लिए हमारे मिलने वालों से और संघ के कार्यकर्ताओं से करें तो होने वाली धर्म सभा गरिमापूर्ण हो पाएगी। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बाहर गांव से आए हुए मेहमानों का संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके अतिथि की व्यवस्था यही परिसर में की गई है, कृपया संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। आओ आप और हम सब मिलकर इन धर्म सभाओं को और गरिमापूर्ण बनाएं। जिन लोगों ने कल चातुर्मासिक प्रवेश पर तब आराधना की है उन सबकी सुख साधा पूछता हूँ। इस आशा और विश्वास के साथ कि जैसे जैसे चातुर्मास का एक एक दिन आगे बढ़ेगा धर्म सभा तब और साधना निरंतर आगे बढ़ेगी, ऐसा हमको विश्वास है। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभी श्री चितारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवलिप्नत दम्मा मंगलम चितारि लगुत्मा अरियंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहु लगुत्मा देवलिप्नत दम्मा लगुत्मा चितारि शरणम पव्यामि अरियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि देवलिप्नत दम्मा शरणम पव्यामि अरियंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवल कृपयाद्रम का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगतनि और शरण होगा जो भव्य प्राणी करे आराधना उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा मंगल होगा। भगवान महावीर स्वामी की जय जिनेन्द्र, आपस में जय जिनेन्द्र करिए।